असम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT सिलचर में जमकर बवाल मचा हुआ है। करीब 2000 स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल को 5 दिन गुजर गए। कैंपस में तोड़फोड़ की गई, पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां फूंक दी गई। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र छात्राएं घायल भी हुए। भूख हड़ताल पर बैठे 6 छात्र भी बीमार पड़ गए। आखिर इस हंगामे की वजह क्या है, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आज तक से जुड़े दिलीप कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक असम के सिलचर में स्थित NIT में बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र ने जान दे दी। दरअसल इस छात्र ने 2020 में NIT में एडमिशन लिया था, लेकिन कोविड के चलते सभी स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया और क्लासेस ऑनलाइन लगने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र के घर में इंटरनेट ना होने की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाया और कई सब्जेक्ट्स में उसके बैकलॉग आ गए। इन्हीं बैकलॉग की वजह से छात्र मानसिक रूप से परेशान था। कैंपस में कई और छात्रों के बैकलॉग आए थे। छात्रों ने बताया कि बैकलॉग क्लियर करने को लेकर डीन के सामने मांग रखने के लिए वो पहुंचे, लेकिन डीन ने अपने केबिन से छात्रों को बाहर निकाल दिया। उसी दिन शाम को अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र ने अपने कमरे में जान दे दी। इसके बाद ही कैंपस में बवाल शुरू हो गया। छात्रों ने कैंपस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रशासन ने स्थिति काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाया। काछार जिले की SP और DM भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचते हैं, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं होता। आरोप है कि भीड़ से किसी ने काछार SP नमल महत्ता के सिर पर पानी की बोतल फेंक कर मारी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। इन सभी को सिलचर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। छात्रों की हड़ताल को अब 5 दिन गुजर चुके हैं। मुद्दा अब सिर्फ असम का नहीं रहा, क्योंकि छात्र मतलब जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका संबंध अरुणाचल से था, तो अब वहां का छात्र संगठन भी इस आंदोलन में उतर आया है। कुल मिलाकर छात्र से NIT प्रशासन की चूक बता रहे हैं। छात्रों की मांग है कि कॉलेज के डीन BK रॉय को पद से हटाया जाए, साथ ही कैंपस में जो तोड़फोड़ हुई उसमें किसी भी छात्र पर कानूनी कार्रवाई ना की जाए। कई दिनों से चुप्पी साधे NIT प्रशासन की तरफ से आखिरकार बयान जारी किया गया। डायरेक्टर दिलीप कुमार ने इस मामले की कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा, कॉलेज हॉस्टल में जान देने वाले छात्र के प्रति हमारी संवेदना है और आपके गुस्से की भी इज्जत करता हूँ। आप लोगों तक समय पर ना पहुंच पाने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। प्रशासन के आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक NIT सिलचर के डीन को उनके पद से हटा दिया गया है। नए डीन का नाम का ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया है। आज तक के दिलीप कुमार सिंह के इनपुट के साथ आपके लिए सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए आप दी ललन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम है सोनल, शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।